हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज आवर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन उनका डिफरेंस कौन कौन से सेक्शंस से उनको गवर्न करते हैं उनकी डेफिनेशन पनिशमेंट एंड मच मोर थिंग्स सो वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो हाय आई एम शिवम पांडे एंड जी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे एक इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ कि हमने डी एल एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी के लिए क्रैश कोर्स चालू कर दिया है और ये क्रैश कोर्स जो है केवल तीन हज़ार का है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ हमने क्लैट और डी यू के लिए ईयर लॉन्ग बैचेज भी स्टार्ट कर दिए हैं एंड आप इसके लिए भी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर क्या है सबसे पहली चीज सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 361 किडनैपिंग को गवर्न करता है और अबडक्शन को गवर्न करता है सेक्शन 362 अब किडनैपिंग होता क्या है देखिए टेकिंग अवे ऑफ एनी पर्सन बाय फोर्स थ्रेट और डिसाइट विथ इंटेंट टू कॉज हिम और हर टू डिटेन अगेंस्ट हिज और हर विल मतलब ये है कि आप किसी भी पर्सन को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर फोर्सफुली या धमकी दे के या किसी भी धोखे धड़ी से उसको लेकर जाते हैं ताकि आप उसे डिटेन कर सकें दिस इज़ किडनेपिंग और एबडक्शन क्या होता है अबडक्शन होता है हुएर बाय फोर्स कंपेल और बाय एनी डिसाइडफुल मीन ड्यूसिज एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस मतलब यह है कि आप किसी भी पर्सन को या तो धोखाधड़ी से या तो फोर्सफुली कंपेयर करते हैं कि वो अपनी प्लेस से खुद ही चलकर दूसरी प्लेस पर चला जाए दिस इज एबडक्शन सो किडनैपिंग एंड एबडक्शन में जो मेजर डेफिनेशन में डिफरेंस है वो ये है ठीक है सेकेंडली किडनीपिंग दो तरीके की होती है किडनैपिंग फ्राम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्राम लॉफुल गार्जियन किडनैपिंग फ्राम इंडिया ये सेक्शन थ्री सिक्सटी से गवर्न हो, होता है और किडनैपिंग फ्राम लॉफुल गार्जियन ये सेक्शन थ्री सिक्सटी वन से गवर्न होता है एंड एबडक्शन जो है वो केवल एक ही तरीके का है एबडक्शन की आप किसी को धोखाधड़ी से अपने आप ही अपने साथ ले जाएं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और किडनैपिंग में क्या होता है इच्छा के विरुद्ध मतलब किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध आप उसे ले जाते हैं इसके साथ साथ एक और डिफरेंस ये है कि किडनीपिंग जो है हमेशा माइनर की होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हम किडनैपिंग यूज़ करते हैं केवल और केवल माइनर के लिए और इसमें भी अगर 16 साल से कम का लड़का है तब किडनैपिंग यूज़ होगी और अगर 18 या 18 से कम की लड़की है तब किडनैपिंग यूज़ होगी अगर इससे ऊपर की एज है तो एबडक्शन लगाया जाएगा और ये एबडक्शन यूज़ किया जाता है एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब किडनैपिंग किसकी किसकी हो सकती है माइनर की किडनैपिंग हो सकती है माइनर में बॉय के लिए 16 ईयर और लेस और फीमेल में 18 ईयर और लेस एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इनकी किडनेपिंग हो सकती है वेयर्स एबडक्शन जो है किसी का भी हो सकता है एबडक्शन इज फॉर एनी वन एंड ये जो एज सिक्सटीन प्लस है या फिर एटीन प्लस है उनके लिए एबडक्शन यूज़ किया जाता है किडनैपिंग में इंटेंशन ऑफ एक्यूज इज इम मटेरियल एक्यूज का इंटेंशन इम मटेरियल है वेयर्स एबडक्शन में एक्यूज का इंटेंशन ये इम्पॉर्टेंट होता है इसके साथ साथ किडनैपिंग में कंसेंट भी इम होता है कि पर्सन कंसेंट कर रहा है आपके साथ चलने के लिए या नहीं कर रहा इट इज इम मेटेरियल वेर एज अबडक्शन में कंसेंट जो होता है मटेरियलिस्टिक होता है मतलब कंसेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आप उसकी कंसेंट से उसको लेकर जा रहे हैं इसके साथ साथ किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब किडनैपिंग कब कंप्लीट हो जाता है द ऑफेंस इज कंप्लीट वेन द पर्सन इज रिमूव फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप अगर आप किसी पर्सन को लॉफुल गार्जियन से रिमूव कर लेते हैं और अपनी कस्टडी में लेकर डिटेन कर लेते हैं अनलॉफुली सो दिस इज़ किडनीपिंग वेर इस एबडक्शन में क्या होता है एबडक्शन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि पर्सन को आप अपने साथ ले जाते हैं उसकी मर्जी के साथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दिस इज एबडक्शन इसके साथ साथ अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं सो पनिशमेंट किडनैपिंग में है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स और आपको फ़ाइन भी लग सकता है वे एज़ अगर मैं अबडक्शन के पनिशमेंट की बात करूं, सो so अबडक्शन जो है इट् सेल्फ इज़ नॉट पनिशेबल अगर मैं अबडक्शन की बात करूं, तो ये एट्सल्फ अपने आप में पनिशेबल नहीं है लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है तब ओनली वेन इट इज़ कमिटेड विद वन और अदर इंटेंट्स एक या एक से ज़्यादा इंटेंट जो स्पेसिफाई है सेक्शन थ्री ए में थ्री 364 में थ्री सिक्सटी ए थ्री में अगर इस इंटेंट के साथ आप किसी को ले जाते हैं तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है अदरवाइज ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको समझ आई होगा सब कुछ सो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल शेयर कीजिए एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए थैंक यू सो मच